तो प्रदेश में आगजनी की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन आग की घटनाओं से निपटने के लिए प्रशासन कितना तैयार है, जनता टीवी लगातार इसका जायजा ले रही है। बता दें आपको कि शनिवार को हमारी टीम ने नूह का जायजा लिया और अब हमारी टीम रेवाड़ी और भिवानी पहुंची, जहां पर हमें अव्यवस्थाओं के अलावा और कुछ नहीं मिला। ये तस्वीरें और आग का तांडव याद ही होगा। फरीदाबाद में इसी आग के तांडव ने दो बच्चों और उनकी मां की सांसें छीन ली थी। सूरत की घटना को भी कौन भूल सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रशासन इन घटनाओं से अभी तक कोई सबक नहीं ले पाया, क्योंकि अगर सबक ले लिया होता तो भिवानी का फायर ब्रिगेड कार्यालय बदहाल ना होता, क्योंकि अगर भिवानी में भी आग ने अपना तांडव दिखाया तो यहाँ का दमकल विभाग महज हाथ मलता रह जाएगा और आग कई लोगों की सांसें छीन लेगी, साथ ही साथ लाखों की संपत्ति भी स्वाहा कर देगी। दरअसल भिवानी में दमकल विभाग सिर्फ दिखावे के लिए है, क्योंकि यहाँ महज 7 गाड़ियाँ हैं, जबकि गाड़ियों को चलाने के लिए सिर्फ 2 ड्राइवर हैं, कर्मचारियों की संख्या महज 32, जबकि यहाँ कुल कर्मचारियों की संख्या 150 होनी चाहिए। वहीं कर्मचारियों के लिए सुविधा के नाम पर भी काफी टोटा है। फायर ब्रिगेड में यहाँ कर्मचारियों के लिए ना तो मास्क है और ना ही लाइफ जैकेट। भिवानी फायर स्टेशन के अंदर कर्मचारियों की खासी कमी है, जिसके कारण काफी परेशानियों का सामना यहाँ के अन्य कर्मचारियों को करना पड़ रहा है। उसका से बताया जा रहा है कि हिसाब से 150 कर्मचारी यहाँ पर होने चाहिए और मात्र 32 कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं। उनमें से भी काफी कर्मचारी नगर परिषद के अंदर डेपुटेशन के ऊपर कार्यरत है, जिसके कारण यहाँ का कार्य काफी प्रभावित हो रहा है। हमारे साथ ड्राइवर हैं जो कि भिवानी फायर स्टेशन के हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कि कितने कर्मचारी यहाँ पर हैं, किस प्रकार से काम चलता है। ये कितने कर्मचारी हैं? कर्मचारी ये टोटल है 32, और ड्राइवर है सिर्फ 3, गाड़ी है 9, 7 गाड़ियाँ हैं और 7 रोड हैं हमारे पास, स्टाफ की कमी है। जब ड्राइवर 3 है, 7 गाड़ी है, तो फिर किस प्रकार से काम चलाते हैं? हम एमरजेंसी चलाते हैं 24 घंटे रूट देकर। तो कितनी परेशानी आप लोगों को होती है? हमारी परेशानी तो हम ही जानते हैं भाई, हम कैसे अपनी रोटी कर रहे हैं। अधिकारियों को कभी शिकायत नहीं की आप लोगों के कर्मचारियों का टूटा है? अधिकारियों ने भी शिकायत किया और अधिकारियों ने ऊपर किया हुआ है, भर्ती नहीं हो रही, नया ठेकेदारी पर हैं, परेशानी बहुत। ये थे फायर के ड्राइवर, जिसका उनका कहना है कि 7 गाड़ियों के ऊपर केवल मात्र 3 ही ड्राइवर हैं जो कि सेवा कर रहे हैं। काफ़ी प्रभावित हो रहा है इनका काम, काफ़ी मुश्किलों का सामना इन लोगों को करना पड़ता है। जानकारी के लिए भिवानी से। तो ये तो था भिवानी के दमकल विभाग का हाल। इसी तरह हमारी टीम रेवाड़ी भी पहुंची, जहां भी हमें हालात ढाक के 3-5 जैसे नजर आए, क्योंकि यहां रेवाड़ी जैसे बड़े शहर के लिए 5 गाड़ियां हैं, जिनमें से 1 गाड़ी तो ऑफ द रोड हो चुकी है। हालांकि प्रशासन की ओर से यहां 2 नई गाड़ियां भेजी गई हैं, जो कागजी कार्रवाई पूरे करने के बाद जल्द ही ऑन रोड हो जाएगी। लेकिन क्या सिर्फ 6 गाड़ियां इतने बड़े रेवाड़ी शहर के लिए काफी हैं? ये बड़ा सवाल है। वहीं अगर स्टाफ की बात की जाए तो जिला मुख्यालय पर स्थित इस दमकल केंद्र में दमकल अधिकारी समेत कुल 28 कर्मचारियों का स्टाफ मौजूद है। वहीं कर्मचारियों की सुरक्षा उपकरण की बात करें तो वो भी नाकाफी है। अगर रेवाड़ी के दूर इलाकों की बात करें तो बावल में 3, कौसली में 2 और 1 धारूहेड़ा में दमकल की गाड़ी है, लेकिन आबादी के हिसाब से इन इलाकों में भी गाड़ियों की कमी है। शहर काफी बड़ा है, पहले इतने हादसे भी नहीं हुआ करते, आगे आगे हादसे भी होते जा रहे हैं, और ट्रैफिक भी है, जाम भी है, और सही मायने में तो हमने पता भी किया है हुड्डा डिपार्टमेंट, डीटीपी डिपार्टमेंट से, अबेसिंग चौक के पास जमीन छोड़ी हुई है, उसका भी हमने प्रोसेस किया हुआ है। जैसे प्रोसेस चालू हो जाएगा, हो सकता है बिल्डिंग हमें मिल भी जाए। ये तो थी रेवाड़ी और भिवानी में दमकल विभाग के हालातों की हकीकत। एक हकीकत और भी है, जो किसी भी आग की घटना के बाद सामने आती है, जिससे दमकल विभाग के अधिकारी और प्रशासन अनजान है, क्योंकि सूरत और फरीदाबाद के हादसों को देखने के बावजूद प्रशासन अभी चेत नहीं रहा है।
भिवानी से दीपक मुटरेजा और रिवाड़ी से जनता टीवी के लिए अजय अत्री की रिपोर्ट।